रात के 2:30 बजे 12 साल के ऋषभ दिल्ली जाने वाले बस में सो रहे थे। सफर 6 घंटे की थी। बगल में उनकी माँ थर्मस में कॉफी और टिफिन में पनीर के पराठे लिए बैठी थी। ठिठुरती ठंड में रुड़की से दिल्ली के सोनेट क्रिकेट अकेडमी में वीकेंड्स पे प्रैक्टिस करने आना और गुरुद्वारा में रात गुजारना। ऋषभ की माँ दिन में गुरुद्वारा में सेवा करती थी। ऋषभ कहते हैं, सेवा करने से पुण्य होता है और उसी माँ के पुण्य का फल है कि आज ऋषभ इंडियन टीम के प्रॉमिसिंग विकेटकीपर बैट्समैन बन गए हैं। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। ऋषभ पंत का जन्म 4 अक्टूबर 1997 को उत्तराखंड के रुड़की में हुआ। पिता राजेंद्र पंत हीरो होंडा शोरूम में मैनेजर थे और माँ साक्षी पंत एक टीचर थी। हर बच्चे की तरह ऋषभ भी बचपन में खूब क्रिकेट खेलते थे। ऋषभ के पिता राजेंद्र पंत ने यूनिवर्सिटी लेवल तक क्रिकेट खेला था, लेकिन उन्हें फैमिली का सपोर्ट नहीं था। पिता ने ऋषभ से कहा, बेटा मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, जाओ खेलो, इंजॉय करो, एक बच्चे को और क्या चाहिए। कुछ दिनों बाद पिता ने ऋषभ को 14,000 का एसजी का बैट लाके दिया। माँ नाराज थी, इतना खर्चा क्यों? पिता को पता था वो क्या कर रहे हैं। पंत रुड़की के खुले मैदान में दिन भर क्रिकेट खेलते थे। 4th-5th स्टैंडर्ड में अपने से बड़े बच्चों के साथ मैटिंग पिच पर ऋषभ ने खूब क्रिकेट खेला। टूर्नामेंट 10 से 12 ओवर्स के होते थे। एज एन ओपनर ऋषभ को क्विक रन मारने होते थे। वहां से ऋषभ का एग्रेसिव बैटिंग स्टाइल डेवलप हुआ। पंत के क्रिकेटिंग टैलेंट को नरिश करने के लिए एक जिम्मेदार कोच की जरूरत थी। रुड़की में क्रिकेट की ज्यादा फैसिलिटी नहीं होने की वजह से वीकेंड्स पे ऋषभ अपनी माँ के साथ दिल्ली के सोनेट क्रिकेट अकेडमी में प्रैक्टिस करने जाते थे। वहां ऋषभ तारक सिन्हा से मिले। तारक सिन्हा शिखर धवन के कोच रह चुके हैं। ऋषभ अब कोच तारक सिन्हा के अंडर प्रैक्टिस करने लगे। दिल्ली अंडर 12 की तरफ से खेलते हुए टूर्नामेंट में ऋषभ ने 3 सेंचुरीज मारी और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। 12 साल की उम्र में तारक सर ने ऋषभ से कहा, तुम डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलने के लिए राजस्थान चले जाओ, यहाँ दिल्ली में बिना कनेक्शन के शायद तुम्हारा टैलेंट वेस्ट हो जाए। राजस्थान में पंत ने अंडर 14 और अंडर 16 लेवल्स तक खेला, लेकिन उनसे कहा गया कि तुम आउटसाइडर हो, अब राजस्थान के लिए नहीं खेल सकते। पंत अपना करियर बचाने के लिए दिल्ली वापस आ गए। कोच तारक सिन्हा ने कहा, कोई बात नहीं, अब तुम्हारे टैलेंट और मेरिट पर ही तुम्हें आगे बढ़वाऊंगा। दिल्ली क्रिकेट टीम में जगह बनाने से पहले ऋषभ के बल्ले से रन नहीं बन रहे थे। ऐसा ऋषभ के क्रिकेटिंग करियर में पहली बार हुआ था। कोच तारक सर ने कहा, तुम्हें अपने गेम के वीक पॉइंट को देख के उस पे काम करना है। तुम्हें बैट स्टांस, बैट स्विंग और ग्रिप सब चीज पर काम करना होगा। अगर तुम ये कर लेते हो तो तुम्हें कंसिस्टेंट रन्स बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अपने गेम को फिर से शुरू से सीखना आसान नहीं होता, लेकिन तारक सर ने सोचा, अभी इस उम्र में सुधार कर ले तो बेहतर है। ऋषभ को बहुत परेशानी हो रही थी। कहते थे, ये बदलाव मुझसे नहीं हो रहा सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ पर नहीं हो रहा। तारक सर ने कहा, और मन लगा के मेहनत करो। ऋषभ 2 बजे रात को उठते थे, इस बार बस पकड़ने के लिए नहीं, शैडो प्रैक्टिस करने के लिए, स्टैंस, ग्रिप, जो भी तारक सर ने कहा था। मैं घंटों प्रैक्टिस करता था, कभी कभी तो मैं रात भर प्रैक्टिस करता था, सोता ही नहीं था। कुछ महीने बाद ऋषभ सोचने लगे, यार हो ही नहीं रहा मुझसे, क्रिकेट ही छोड़ देता हूँ। लेकिन ऋषभ के अंदर से आवाज आई, नहीं, मुझे कुछ करना है। ऋषभ को पूरी तरह से अपनी गेम को बदलने में करीबन 2 साल लग गए। धीरे धीरे पंत के बल्ले से रन निकलने शुरू हुए। दिल्ली अंडर 19 टीम में पंत का सिलेक्शन हुआ और वो एक मैच ऋषभ का करियर डिफाइनिंग मैच बन गया। असम के अगेंस्ट मैच था। ग्रासी पिच पे असम ने 290 रन बनाए। जवाब में दिल्ली 100 रन पे सिमट गई। हालांकि ऋषभ 35 रनों के साथ दिल्ली की तरफ से टॉप स्कोरर थे, लेकिन ऋषभ अपना विकेट फेंक आए थे। कोच से उन्हें खूब डांट पड़ी। फॉलो ऑन में दिल्ली के सेकंड इनिंग्स में ऋषभ ने 150 रनों की धुआंधार पारी खेली, जिससे लोग अब ऋषभ को जानने लगे थे। अपने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस से 22 अक्टूबर 2015 को 18 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी में पंत ने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। 27 दिसंबर 2015 को विजय हजारे ट्रॉफी में लिस्ट ए क्रिकेट में डेब्यू किया। अंडर 19 और डोमेस्टिक सर्किट में अच्छा परफॉर्म करने की वजह से 6 फरवरी 2016 को दिल्ली डेयरडेविल्स ने ऋषभ को 1,90,00,000 में खरीद लिया। उसी दिन अंडर 19 वर्ल्ड कप में नामीबिया के खिलाफ सेंचुरी मार के इंडिया को सेमीफाइनल तक पहुंचाया। अपने आईपीएल के तीसरे ही मैच में पंत ने 40 बॉल पे 69 रन मारे। 2016-17 रणजी ट्रॉफी सीजन में महाराष्ट्र के खिलाफ ट्रिपल सेंचुरी मार के पंत ने कई रिकॉर्ड्स तोड़े। उसी सीजन 8 नवंबर 2016 को पंत ने झारखंड के खिलाफ रणजी के इतिहास में सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी मारा। जनवरी 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में ऋषभ का सिलेक्शन हुआ। इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज था। 1 फरवरी 2017 को बैंगलोर में पंत ने अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया। उनके पिता का सपना उस दिन पूरा हो गया।
पिता की मेहनत और सपोर्ट रंग लाई। लेकिन अप्रैल 2017 में जो हुआ उसने पंत और उनके परिवार को हिला दिया। एक सुबह पंत के पिता नहीं उठे, वो साइलेंट हार्ट अटैक था। ऋषभ दिल्ली में आईपीएल खेल रहे थे। मैच के बाद ऋषभ को ये दुखद खबर मिली। क्रिकेटिंग जर्नी के स्ट्रगल ने पंत को अंदर से स्ट्रांग बना दिया था। जब उन्होंने देखा कि फैमिली में सभी लोग टूट से गए हैं तो उन्होंने सबको संभाला। कुछ दिनों पहले हुए सर्जरी की वजह से माँ भी थोड़ी बीमार थी। माँ और बड़ी बहन को ऋषभ ने संभाला। अंतिम संस्कार करके सुबह 8 बजे बेंगलोर के लिए रवाना हुए। आरसीबी के खिलाफ बेंगलोर में ऋषभ ने 36 गेंदों में 57 रन मारे और वो रन ऋषभ ने अपने पापा को डेडिकेट किया। अगस्त 2018 में इंग्लैंड टूर के लिए इंडियन टेस्ट टीम में ऋषभ का सिलेक्शन हुआ। 18 अगस्त 2018 को पंत ने पहले बॉल पर छक्के के साथ अपना टेस्ट डेब्यू किया और ऐसा करने वाले वो पहले इंडियन बैट्समैन बन गए। 21 अक्टूबर 2018 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनका ओडीआई इंटरनेशनल डेब्यू हुआ। साल 2019-20 ऋषभ पंत का सबसे बुरा साल था। धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। पंत पे परफॉर्मेंस का प्रेशर आ गया। बल्ले से रन ना निकलने की वजह से उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। 2020 आईपीएल में ऋषभ के बल्ले से एक ही 50 आई और वो भी लूजिंग मैच में। फैंस ने पंत को धोनी से कंपेयर करना शुरू कर दिया और जब भी पंत से ऑन फील्ड कुछ गलती होती तो क्राउड धोनी को बुलाओ कहते थे। लेकिन पंत एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के इंसान है। उन्होंने कमबैक किया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गाबा में एक मैच विनिंग पारी खेली। पंत ने 89 रन नॉट आउट बनाया। 32 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को किसी टीम ने गाबा पे हराया। वो सीरीज इंडियन टीम जीत गई। ऋषभ इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग टैलेंट इन इंडियन टीम। 2021 आईपीएल में अपने कैप्टनशिप में दिल्ली को पॉइंट्स टेबल में टॉप पे रखा और अब दिल्ली के परमानेंट कैप्टन बन गए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 16 करोड़ में रिटेन किया है। तो ये थी कहानी एक ऐसे प्लेयर की जिसने बहुत सारे टफ फेजेस देखे, बहुत सारे क्रिटिसिज्म झेले, लेकिन अपना कैरेक्टर नहीं खोया। कहते हैं ना, हाई प्रेशर में ही हीरा बनता है और वो हीरा ऋषभ पंत है। तो हम लोग प्रे करते हैं कि ऋषभ यूं ही और कंसिस्टेंट परफॉर्म करे और इंडियन टीम को और ऊंचे मुकाम तक लेके जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। अगली वीडियो किस पे होनी चाहिए नीचे कमेंट करें। जिस पे ज़्यादा लाइक्स होंगे वीडियो उसी पे बनेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।